हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आनंदित हूं आपकी हजूरी में और मैं तैयार हूं आपके वचनों को सुनने के लिए, मैं तैयार हूं समर्पण करने के लिए, आपकी इच्छाओं को जानने के लिए, आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा जो कुछ भी आज मुझे बताएं अपने वचन के द्वारा मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इस चर्च को आशीषित करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका परमेश्वर के लिए गाना और आनंदित होना आपकी सदा की आशीष का कारण ठहरे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपके और आपके परिवारों के यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सब मांगते, पूरी कलीसिया बोले आमीन। ऑनलाइन बोलो आमीन ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, आज खुदावंत का रूह आपको भरे, होली स्पिरिट आपको मिले, खुदावंत के दान वरदान आप पे उतरे, परमेश्वर की भूख और प्यास आप पे उतरे। इस मीटिंग के बाद परमेश्वर को खोजना, उसकी प्रार्थना में रहना, परमेश्वर के साथ सहभागिता में रहना, इंटीमेसी में रहना, ये आपकी रोज की लाइफ का हिस्सा बन जाए। प्रार्थना में होने वाली हर एक रुकावट, पवित्रता में जीने की हर एक रुकावट यीशु मसीह की आग से जल के नाश हो जाए। हर एक स्पेल, हर एक कॉन्स्पिरेंसी, साजिश, स्पेल जो आपकी लाइफ, आपकी सेहत, आपकी आत्मिक जिंदगी के खिलाफ है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में फायर वो खत्म हो जाए आज। और परमेश्वर आपको फ्री करे, आपके बच्चों समेत, आपके फाइनेंस समेत, आपकी सेहत समेत, वो आपको आजाद करे अपनी महिमा के लिए, अपने आप को खोजने के लिए, अगले लेवल पे जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन हो जा, ये आशीष आपकी चर्च। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, आमीन। मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपके लिए बनाया गया। बाइबल कहती हम संसार के नहीं कि संसार हमसे प्यार करे, परमेश्वर ने कहा मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया। आपका इस समय परमेश्वर की हुजूरी में रहना, आज चर्च में आना इस बात का सबूत है कि आपको संसार में से चुन लिया गया और आप परमेश्वर के हैं। और परमेश्वर जो बैलेंस करने वाला परमेश्वर है, अगर संसार आपसे नफरत करता है तो परमेश्वर इतना प्यार करता है और वो इतना ब्लेस करता है कि आपको किसी की और की जरूरत रहती नहीं। वो अपना आप पर, आपके परिवारों पर प्रकट करेगा, आपके बच्चों पर प्रकट करेगा, वो अपनी रेवलेशन, अपने भेद, अपना प्यार आप पर और आपके परिवारों पर प्रकट करेगा। आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। और आज मैं हीलिंग्स को देख रहा हूं, डिलीवरेंस को देख रहा हूं इसी वचन के दौरान होते हुए, और आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो। मैंने कहा आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो। जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है उसके अनुसार आप शैतान पर जो फतेह पाने वाली सामर्थ्य है उसको रिसीव करके जा रहे हो। जादू और टोने आपके लिए नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जादू और टोनों पर पैर रख के आगे जाओगे और परमेश्वर आपके साथ होगा। आमीन। जितना ऊंचा ब्लेसिंग उतनी ऊंची चर्च। हालेलुया, स्वागत है यीशु मसीह की हजूरी में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का वचन तुझे आजाद करता है, इसलिए ध्यान से सुन। आमीन। आप तैयार हैं उसके वचन को सुनने के लिए? आज मैं तीन जगह से वचन को पढ़ूंगा। निर्गमन 24 उसकी 17 आयत में लिखा, इसराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। यह उस टाइम की बात है जब परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पे बुलाया और उसको वचन दिए थे परमेश्वर ने। अगर आप निर्गमन 20 से पढ़े, उसके पीछे से पढ़े, तो परमेश्वर उसको वचन बताता जाता था मूसा को, और मूसा लोगों को बताता था कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहे हैं।
जैसे उसमें से कुछ वचन मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दास्तव यानी गुलामी के घर से अर्थात मिस्र देश यानी पुरानी जिंदगी से निकाल लाया हूं। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना जो आकाश में पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो तुम उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन करने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर करते उनके बेटे पोतों पड़पोतों को भी दंड दिया करता हूं, जो मुझसे प्यार करते हैं मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो निर्दोष ना ठहरेगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, ये पुराने नियम में होता था विश्राम दिन, यानी ये एक शनिवार का दिन होता था जब कोई काम करने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद अब संडे हम परमेश्वर के भवन में रहते हैं। लिखा, छह दिन तू परिश्रम करके सब काम काज करना, पर सातवां दिन परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन हो। और लिखा, तेरा आयत में तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना, किसी के घर का लालच ना करना, किसी की औरत का लालच ना करना, किसी के दास दासी बैल गधे का किसी वस्तु का लालच ना करना। सब बोलो आमीन। और ये सब वचन जब निर्गमन की पूरी पुस्तक में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो मूसा को दिए, परमेश्वर ने इसलिए दिए थे कि उसके जो लोग हैं वो आशीषित रहें, पाप से बचे रहें, और मैं उनकी जिंदगियों में बड़े काम करूं, जैसे मैं उन्हें मिस्र से निकाल लेके आया हूं, मैं ऐसे ही इनकी जिंदगियों में बड़े काम करता रहूं, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वचन दिए। सब बोलो आमीन। एक वचन मैं पढ़ूंगा, यूहन्ना 15 उसकी 18 आयत। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्यार करता, परंतु इस कारण तुम संसार के नहीं हो वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उनको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, उन्होंने अगर मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब जो कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वो पापी ना ठहरते, परंतु अब वो उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। 25 आयत को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद, ये इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। सब बोलो आमीन। एक वचन को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। उस वचन को मैं पढ़ूंगा रोमियो की पुस्तक 1, इंग्लिश में रोमन्स यानी रोम, रोमन्स 1 उसकी 1 आयत को। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्य दक्तवाओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, परंतु पवित्रता की आत्मा की भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। सब बोलो आमीन। एक आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले से ही अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में। एक आयत को मैं फिर पढ़ूंगा, आपने सिर्फ एक आयत को सुनना। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। अपने पड़ोसी को बोलो अलग किया गया। आमीन। परमेश्वर ने कहा था मूसा को, मूसा तू सीने पहाड़ पे आएगा और तेरे साथ कोई होना नहीं चाहिए, कोई इज़राइल का प्रधान नहीं होना चाहिए, कोई बंदा नहीं होना चाहिए, कोई इज़राइली नहीं होना चाहिए, सिर्फ तेरे को आज्ञा है, तू इस पहाड़ पे चढ़ के मेरे पास आएगा और मैं तुम्हें अपने हुक्म बताऊंगा। किसके लिए हुक्म बताने थे परमेश्वर ने? अपने लोगों के लिए। क्योंकि जब जब भी परमेश्वर अपने लोगों को आजाद, ब्लेस, डिलीवर,
रिडीम सेव करता है वो अपने वचन के द्वारा करता है. आमीन. उसने मूसा को वचन के द्वारा भेजा था, लोगों को फ्री किया, और अब परमेश्वर चाहता था कि वचन के द्वारा तुम लोग पुरानी गुलामी से तो निकल चुके हो, पुरानी जिंदगी से तो निकल चुके हो, शैतान के चक्कर से तो निकल चुके हो, पर अभी एक काम खत्म नहीं हुआ है. अब तुम्हें कनान में जाना, यानी उस योजना को पूरा करना है जिसके लिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया. आप समझ रहे हैं क्या? आप मसीह में आ गए, आगे क्या? क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्लान के तहत बुलाया. आप अपने घर में कोई फालतू चीज की शॉपिंग नहीं करते हो. किसी के घर में फालतू हेलीकॉप्टर पड़ा है क्या? फालतू कारें पड़ी हो दो चार? नहीं पड़ी ना. अगर आप फालतू चीजें नहीं रखते हो तो परमेश्वर जिसने आपको अपना लहू मोल देके, लहू बहा के खरीदा है, कोई प्लान रखता है वो आपकी लाइफ. पर अब सुनने वाली बात ये, कहां मिस करते हैं क्रिश्चियन लोग. क्रिश्चियनिटी में तो आ गए, मिस्र से तो निकल आए, परमेश्वर ने चमत्कार दिखाए मूसा के द्वारा, कभी आसमान से पानी और आग दोनों बरसी, कभी नदी के पानी को लाल लहू कर दिया, कभी टिट्टियां आ गई, कभी मेंढक आ गए, उनके पहलौठे मर गए, बड़े बड़े चमत्कार किए परमेश्वर ने मिस्र से बाहर निकालने के लिए. जैसे हम लोग निकले हैं मिरेकल्स देके, वाह परमेश्वर काम करता है, वो जिंदा है. अच्छा, सच्चा परमेश्वर है यीशु मसीह, हम भी ऐसे निकले, हाँ या ना? पर आगे क्या? बोलो अपने पड़ोसी को, आगे क्या? वो मिरेकल्स तो इसलिए थे कि आप परमेश्वर को जान सको और उद्धार प्राप्त कर सको, लेकिन उसके आगे क्या? क्योंकि परमेश्वर की एक प्लान, एक योजना भी आपकी लाइफ में है. याद रखो, अगर आप मिस्र से उसके वचन के द्वारा निकले थे, अब आप कनान में भी उसके वचन के द्वारा पहुंच सकते हैं. आप वचन के द्वारा निकले थे, अब वचन के द्वारा ही आप उसके उसकी प्लान, उसकी 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 योजना आपकी लाइफ में. और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला, लिख ये वचन इनको बताने, ताकि मैं इनको कनानियों के देश में पहुंचा सकूं जो मैंने इनके साथ वायदा किया था. और लिखा, मूसा वचन लिखने लगा और वो लोगों को बताने लगा. और एक बात ध्यान से सुनो, उसके पास वचन तब पहुंचे थे मूसा के पास जब वो दुनिया से अलग था और पहाड़ पे था. भीड़ में रह के मूसा उस वचन को लिख नहीं सकता था और ना परमेश्वर उससे बात कर सकता था. उसे अलग होना था, जैसे आज आप अलग होके चर्च में बैठे हो. कईयों का फादर नहीं आया, कईयों की मदर भी नहीं आई, कईयों का भाई उनसे लड़ता है, कईयों की सगी बहन उससे लड़ती है चर्च जाने से पहले. आपका यहां बैठी होना इस बात का सबूत है कि आप कनान में प्रवेश करोगे. क्यों? क्योंकि अगर आपने इस अलगताई को मेंटेन कर लिया, प्रॉब्लम मेंटेनेंस भी है. एक बार आ गए, दो बार आ गए, पर क्या हम सदा आएंगे? हां, हमने एक महीना सताव सह लिया, 10 महीने सताव सह लिया, क्या हम 10 साल भी सहेंगे? पौलुस कहता, मैं उस सुसमाचार के लिए क्या किया गया हूं? अलग किया गया हूं, मुझे सेपरेट किया गया, क्योंकि उनमें रह के मैं सुसमाचार के लिए तैयार नहीं हो सकता हूं. यीशु मसीह ने कहा, संसार तुमसे बैर रखता है क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले मुझसे भी क्या किया? बैर किया. ताकि वचन पूरा हो, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया. कोई कारण नहीं है बैर करने का लोगों का, आपको मुझको. यीशु मसीह ने कहा, वचन पूरा होगा, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, वो तुमसे भी व्यर्थ बैर करेंगे, दुश्मनी करेंगे. कहता क्यों? कहता तुम संसार के नहीं हो, अगर होते तो संसार तुमसे प्यार करता. कहता मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया? चुन लिया है, जिस तरह पौलुस को चुना था, जिस तरह मूसा को चुना था. अब उसने क्यों चुना आपको संसार में से, और आपको अलग क्यों करना चाहता है वो?
ताकि आपको वो वचन दे सके जो आपके लिए ठहराए गए, और आपको तैयार कर सके कि आप उस कनान में प्रवेश कर सको जो आपके लिए रचा गया। आपकी लाइफ का कनान, आपकी लाइफ की वो जगह जिसे हर कोई पाना चाहेगा, वो ब्लेसिंग, वो सल्वेशन, वो पीस, वो प्लान जो परमेश्वर ने आपको दिया। आप तैयार हो क्या जाने के लिए? अपने पड़ोसी को बोलो, अलग होना पड़ेगा। परमेश्वर ने बता क्या कहा बाइबल में, उसने कहा तुम संसार में हो पर संसार के नहीं हो। वो ये नहीं कहता संसार में से बोरिया बिस्तरा उठाओ और पहाड़ों पे चले जाओ, कहता तुम इसी संसार के रहो, में रहोगे पर संसार के नहीं रहोगे। तुम उनके जैसी बातें नहीं करोगे, उनके जैसे काम नहीं करोगे। आप यहां बैठे हो, कुछ लोग आज पार्टी में, क्योंकि आप संसार के, संसार में तो हो, उन्हीं के मोहल्लों में तो रहते हो, उन्हीं घरों में तो रहते हो, पर आप उनके नहीं हो, आप परमेश्वर के हो। क्यों? क्योंकि उसने आपको अलग किया कुछ बताने के लिए। उसने कहा मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा और तू मेरे साथ खाना खाएगी, और हम डीप बातें शेयर करेंगे, गहरी बातें शेयर करेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा, क्रिश्चियन लोगों को लिखा, वो नॉन क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, कि मैं तुमको गहरी बातें बताऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, तुम मेरे साथ खाना खाएगा, मैं तुम्हें गहरी बातें बताऊंगा, डीप रेवलेशन दूंगा, जो तेरे लिए रचा गया था, जो सिर्फ तुझे, तेरे लिए, तुझे देने के लिए बनाया गया, मैं तुझे वो चीजें दूंगा जब तू अलग ताई में मुझे पुकारेगा, मेरे साथ रहेगा। क्योंकि तुम संसार में हो पर संसार के नहीं, उसी मोहल्ले में हो के नहीं। ये तो नहीं जब आप मसीह बन जाते हो आपको ऐसे परमेश्वर हवा में उठा के कहीं और बिठा देते हैं, नो, कहीं आपका घर ऊपर की कॉलोनी में, कहीं आसमान में, आप उसी मोहल्ले में हो, हाँ, उसी देश में हो, उसी प्रदेश में हो, उसी शहर में, गांव में, उसी बस्ती में हो, पर आप उस बस्ती के नहीं हो, उस संसार के नहीं हो। मैं उसी में हूं पर उसके नहीं हूं, उनके नहीं हो आप परमेश्वर के हो। आमीन। किसके हो आप? उसने कहा मैंने तुम्हें चुना और ठहराया, तू फल लेके आए और तेरा फल बना रहे। इमेजिन करो, अगर मूसा 40 लिखा दिन और रात, वो कहां रहा? पहाड़ के ऊपर रहा कि नहीं रहा? बोलो। सोचो उसका 20 दिन बाद नीचे कोई फंक्शन आ जाता, सोचो उसकी भुआ के लड़के की शादी है 20 दिन बाद, बोला परमेश्वर बाद में आऊंगा, हाँ आधे लिख लिए, आधे बाद में लिख लूंगा, हाँ मेरे दोस्त लोग गए हैं पार्टी करने, में जा रहा हूं जरा, तो कहीं का नहीं रहता वो और उसके लोग। कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट समर्पण, पूरा समर्पण मूसा का था, इसलिए वो परमेश्वर से वचन ले पाया और अपने लोगों को दे पाया और उसके लोग आगे जा पाए और कनान देश हासिल कर पाए। आमीन। कंप्लीट डेडिकेशन, संपूर्ण समर्पण, जो संसार करता है वो नहीं, जो परमेश्वर चाहता है वो करेंगे। क्योंकि आपके सामने दो चॉइस रहती है हमेशा। कौन सी चॉइस है आपके पास? क्या आज संसार के साथ आप रहना चाहते थे, या आप चर्च में आना चाहते थे, या आप संसार की बातें सुनना चाहते थे, या आप परमेश्वर की बात सुनना? आपके पास चॉइस है, और आपकी चॉइस ये निर्धारित करती है कल आप कहां होंगे। अगर आप यहां बैठे हो, ये मेरी चॉइस थी उन दुखों में, बीमारियों में भी खुदा की सेवा करनी, इसलिए उस चॉइस के कारण, उस घोषणा के कारण, उस फैसले के कारण आज मैं यहां हूं। आमीन। आज आपका फैसला जो आप लोगे परमेश्वर के लिए, आपको दुखी नहीं होना है। क्यों? परमेश्वर ने कहा अगर तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्यार करता। मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया? आप जिस ग्राउंड पे बैठे हो, हां, अगर उसमें से एक घड़ा बनाना हो मिट्टी में से,
तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मिट्टी निकालनी पड़ेगी, मिट्टी निकालनी पड़ेगी। हाँ, अगर घड़ा ये कहे कि मुझे निकालो भी मत इस ग्राउंड से और मुझे बना भी दो, हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, ये भाई भी कहता नहीं होगा, एक 10 साल का बच्चे को पूछ लो वो भी बोलेगा नहीं होगा, पर एक क्रिश्चियन कहता है मैं संसार में भी रहूंगा, उसके जैसे काम भी करूंगा, उनके जैसे सब फंक्शंस भी करूंगा और मैं बनूंगा भी। कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? वो कह रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं होती, उनके साथ बैठो, खाओ पियो, उनके जैसे काम करो, परमेश्वर यहां रहता है। वो उसके यहां रहता है जिसने ये उसको दिया हुआ है, ये उसके यहां रहता है। सबके नहीं, सब चेले एक से नहीं, सबकी सामर्थ्य एक से नहीं, परमेश्वर सबसे एक समान प्यार नहीं करता, बाइबल ऐसा कहती है। यूहन्ना से वो ज्यादा प्यार करता था, पतरस ज्यादा सामर्थी था, पौलुस की चर्चिस ज्यादा थी। जो खुदा को आप दोगे वो आपको बैक करेगा। परमेश्वर ने कहा सुलेमान को मैं सबसे ज्यादा धन दूंगा, क्यों? उसके बाप ने एक बड़ी ऑफरिंग बोई थी। आप समझ रहे हो क्या? जो आप करोगे वापिस पाओगे। अब ये देखो, अगर मुझे घड़ा बनाना हो तो मैं क्या करूंगा इसको? अगर मुझे घड़ा बनाना हो तो मैं क्या मिट्टी लेने के लिए या क्या मैं यूके जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा? मैं यहीं से क्या लूंगा और उसको क्या कर लूंगा? अगर अमेरिका घड़ा बनना है तो वहीं से मिट्टी उठाएंगे, क्या कर लेंगे? अब अलग होना बड़ा दुखी होने वाला काम होता है कई बार, क्योंकि वो घड़े की थोड़ा सा मिट्टी ग्राउंड की तरफ देख रही है, वो मजे कर रही है, और घड़ा साइड पे अकेला है, कोई उससे बात नहीं कर रहा। फिर क्या होता है जब मिट्टी लेते हैं हम घड़े से? अब उसमें अशुद्धियां हैं, क्योंकि वो इस संसार से, इस ग्राउंड से निकली है। उसमें क्या है? वट्टे हैं। हाँ, उसमें पराली है, उसमें गंदगी है, उसमें सब चीजें हैं, घड़ा नहीं बन सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? हाँ, फिर जब छानी नहीं लगती है ना एक क्रिश्चियन पे, मतलब मर के यार, मर के मर के मर के, हाँ आग ही हो गया मेरे नाल। उसे ये मालूम नहीं कि घड़ा बनने से पहले तेरी अशुद्धियां दूर की जाएं, और उसकी अशुद्धियां दूर करता है परमेश्वर। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं, उसे लगता है यार क्या हो रहा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्या घड़ा बनना चाहते हो? कि ग्राउंड में खोना चाहते हो? कि अपनी पहचान रखना चाहते हो परमेश्वर में? जब ग्राउंड से मिट्टी निकालते हो छाननी लगती, और जब मिट्टी तैयार होती उसको पानी से गीला किया जाता है, यानी बपतिस्मा होता है उसका। होता है कि नहीं होता? उसको पानी से गीला करते कि नहीं? बपतिस्मा होता है कि नहीं? बपतिस्मा लेने के बाद उसको गूंथा जाता है, उसको मोल्ड करता है परमेश्वर। मिट्टी को मारा जाता है, कूटा जाता है, उसको गूंथा जाता है। और यह होता है आपके साथ जब आप परमेश्वर में चलते। आपको समझ नहीं आती क्यों हो रहा है ये, रिश्तेदार ऐसा क्यों है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं इससे प्यार करता हूं, ये ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं? जब वो मिट्टी तैयार होती वो मशीन पे आती, जब मशीन पे आती है तो एक हाथ से जो कुम्हार है उसको सहारा देता है और दूसरे हाथ से उसको मारता है, वो शेप देता है वो। लेकिन आप खुदावंद की उस पॉजिटिव मार्ग को खाना नहीं चाहते हो। बिना वो खाए आप कभी शेप में नहीं आ सकते। जब घड़ा बन के तैयार होता है उसको आग की भट्टी में डाला जाता है। और ये भी कोई क्रिश्चियन लेने के लिए तैयार नहीं है। कहते हम क्यों जाएं जी आग की भट्टी में, हमारे तो कोई बंदूक रख के बोलेगा चलो हमारे फंक्शन में, अभी तक कहते ना भरावा जान है गीधे जान है, चलो चलिए संडे फिर चर्च जाके माफी मांग लांगे। ये वो हिसाब है कि जब घड़ा तैयार हो गया कोई व्यभिचार में चला गया, कोई नशे करने चला गया, और आग की भट्टी में अगर नहीं जाओगे तुम कच्चे हो, तुम्हारे अंदर पानी नहीं भरा जा सकता,
तुम्हें वो मालिक अपने पीने के इस्तेमाल में नहीं लेके आ सकता, तुम घर में नहीं रह सकते, आदर के बर्तन तुम नहीं बन सकते। हालेलुया। और जब आपको आग की भट्टी में डाला जाता है और जब आप पक जाते हो, फिर उठा के आपको कुछ देर के लिए बाहर रखा जाता है, आप तैयार होते हो और सारी दुनिया फिर आपको लेने का प्रयत्न करती है। हाँ या ना? फिर वो टाइम आता है, फिर वो रियल क्रिश्चियन का टाइम आता है, जब परमेश्वर बोलता है अब देख तुम्हें क्या करता हूं। 10 ने तुझसे नफरत की थी, 10 लाख तुझसे अब प्यार करेगी। हाँ या ना? आप जाने मैं क्यों नेगेटिव बातें नहीं सुनता हूं, क्योंकि वो 10 लोग हैं और मुझे प्यार करने वाले 10 करोड़ हैं। 10 करोड़ मिनिस्ट्री की जो व्यूवर्स है वो करोड़ों में, करोड़ों लोगों में। तो अब मैं 10 लोगों की परवाह नहीं करता हूं, जो 10 करोड़ मुझसे मेरे साथ हैं। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो क्या वो घड़ा तैयार हो पाता अगर उसी में रहता तो? पर आज आप उसी में रहना चाहते हैं, उसी फ्रेंडशिप को आप छोड़ना नहीं चाहते, उसी नशे को आप छोड़ना, उसी में रहना चाहते हैं और बोलते हैं परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो करता है प्यार, पर आपको बना नहीं वो पाएगा जब तक आप उस संसार से अलग नहीं किए जाएंगे, आपकी अशुद्धियां नहीं निकलेंगी, आप बपतिस्मा नहीं लेंगे, गुंथे नहीं जाएंगे, शेप में नहीं आएंगे। जब मार पड़ेगी उस मिट्टी के ऊपर, जब अंदर से प्रभु सहारा भी देगा, साथ 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 गवाहियां भी आती जाएंगी। जब थोड़ा सा डगमगाने लगोगे, परमेश्वर एक टेस्टमनी देगा, बोलेगा वो कुछ हो गया, हो गया सैन जो का, हो गया काम। और धीरे धीरे जब आप बन जाओगे, आप जीसस क्राइस्ट के घर में, उसकी रसोई में, उसके पीने के लिए काम आओगे। आप समझ रहे कि नहीं? ऐसे मैं बना हूं, मैं ऐसे अलग हुआ था। आपकी प्रोसेस बड़ी खतरनाक हो सकती, बनने का तरीका परमेश्वर का बड़ा क्रूर लग सकता है आपको। लिखा वो 84 वर्ष से विधवा थी और रोज परमेश्वर के घर में प्रार्थना और उपवास किया करती थी। आप जानते हैं यीशु मसीह बिना प्रार्थना के इस दुनिया में नहीं आते। वो विधवा और एक और भविष्यद्वक्ता था जो यीशु मसीह के आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, एवरी डे फास्टिंग प्रेयर। क्यों? हस्बैंड के साथ सिर्फ 7 साल रह के डेथ हो गई और 84 साल से विधवा थी। उस दुख ने उसे परमेश्वर के प्लानिंग में लॉन्च किया और वो महान कहलाई खुदा के किंगडम में। आपकी लाइफ आपको सभी जवाब अभी नहीं देगी, बाद में देगी अगर आप खुदावंद में खड़े रहोगे। आपकी अगर प्रभु ने आपको अलग किया, आपके साथ वो होगा जो लोगों के साथ नहीं होता। सुनो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। मेरी लाइफ में बड़ी इच्छा थी, क्योंकि जो मेरे भाई बहन थे, मेरे कजन्स और दूसरे जो कजन ब्रदर सिस्टर्स थे, वो सभी एक होके रहते थे, बड़ा प्यार था उनमें। और मैं बड़ी कोशिश करता था अपने हद से ज्यादा कि मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा बनूं, लेकिन मैं कभी उस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाता था। और मेरे को लगता था क्या मैंने पाप किया, मैं इनका हिस्सा क्यों नहीं बन पाता हूं, मैं इनके जैसे इंजॉय क्यों नहीं कर पाता हूं। और मेरे को हमेशा हीन भावना रहने की, मैं अलग क्यों, मैं तो चाहता हूं मैं भी इनके जैसा जाऊं घूमूं। लेकिन परमेश्वर मेरी तैयारी कर रहा था। अपनी तैयारी के दिनों में कभी शर्मिंदा मत होना, क्योंकि दाऊद भी किसी टाइम भेड़ों को चारता था, यूसुफ किसी टाइम जेल में बंद था, दानियल किसी टाइम उसके भवन में नौकरी कर रहा था। इंजॉय करो अपनी प्रोसेस पीरियड को, इंजॉय करो उसे। ये दिन याद आएंगे बाद में आपको, ये कैसे खुदा ने मुझे बनाया और वो आगे लेके गया मुझे, कैसे उसने मुझे ग्राउंड से अलग किया,
संसार से अलग किया, मेरी अशुद्धियां दूर की, बैप्टिज्म दिया, मुझे गूंथा, मुझे सहारा दिया, साथ में थप्पेड़े भी दिए, मुझे शेप भी दी, मुझे तैयार भी किया, आग की भट्टी में रखा, और जब मैं सब कुछ सह लिया, आज मैं तैयार हूं। और जो बर्तन खुदावंद तैयार करता है वो टूटता नहीं, जो बर्तन खुदावंद तैयार करता है। सुनो, बाइबल कहती है, कहते एक घर में आदर का बर्तन और निरादर का बर्तन, दो तरह के बर्तन होते हैं। एक आपके पीने के काम आता, आपके किचन में पड़ा है, आपके मुंह पे लगता है, आपके होंठों पे लगता है, और एक आपकी उसी किचन में डस्टबिन है जो कूड़ा फेंकने के काम आता है। परमेश्वर ने कहा जो अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि आप एक उत्तम घड़े को, एक उत्तम बर्तन को कभी भी कूड़े में इस्तेमाल नहीं करोगे। आप महंगे बर्तनों कभी कूड़े में इस्तेमाल नहीं करोगे। आप लेके आते हो 15,000 का सेट कूड़े के लिए, पर चाय के लिए लेके आते हो? डाइनिंग सेट लेके आते हो? कूड़े कूड़े कूड़ा सेट लेके आते हो कभी? बस कूड़ा दान दे दो भाई, 20, 10, 50, 100, 200, हाँ, पर आप चाय का कप लेके आते हो 1,00,000 रुपए वाला, 50,000 रुपए वाला लोग लेके आते। परमेश्वर ने कहा जो अपने आप को अशुद्धियों से अशुद्ध, अपने आप को खत्म कर देगा अशुद्धियां और तैयारी में वफादार रहेगा, मैं उसको आदर का बर्तन बनाऊंगा और दूसरों को निरादर का बर्तन बनाऊंगा। कौन सा बर्तन बनना चाहते हो? आदर का, निरादर का, कौन सा? ये आपके ऊपर है। अगर अपनी प्रोसेस को आप फ्रस्ट्रेट नहीं करोगे, आज लोग कई रोते हैं, मेरी हेल्प नहीं हुई, फलाने बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की। हो सकता है आप उस प्रोसेस में हो जहां परमेश्वर नहीं चाहता आपकी हेल्प हो, ये पॉसिबल है 100%। मैं सच कह रहा हूं, ये पॉसिबल है कि आप इमोशनल नीड में हो और कोई आपका साथ ना दे। ये नहीं कि आप बदकिस्मत हैं, खुदा आपको तैयार कर रहे हैं। ये हो सकता है आप बीमार हो और आपका फोन ना लगे कॉल सेंटर में, प्रभु चाहता आप घुटने टेकें खुद। कितने समझ रहे हैं? हो सकता है, बोलो अपने पड़ोसी को, कि तुझे कुछ जरूरत हो और वो ना हो पूरी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है तेरी तैयारी बनने की पूरी हो। ऐसा हो सकता है, मेरे साथ हुआ है। आमीन। अपनी प्रोसेस पीरियड को, अपने बनने के टाइम को फ्रस्ट्रेट मत करो, उसको खराब मत करो। आत्मिक लोग इस बात को समझते हैं सिर्फ। हालेलुया। जब मेरे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में कोई प्रीच करता है, कई बार वो उसको बिठा देते हैं कि 3 महीने अब प्रीच नहीं करना, प्रेयर करना, क्योंकि कुछ टाइम काम करने का, कुछ टाइम बनने का। जो बनने के और काम करने के बीच के सिस्टम को समझ नहीं पाते, कभी उन्होंने परमेश्वर के लिए बड़े काम नहीं किए। हालेलुया। क्या आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो शैतानी हो? अगर आप परमेश्वर के बेटे हैं तो, उसकी बेटियां हैं तो, क्या हो सकता है? क्या नहीं? परमेश्वर ने कहा कि हन्ना और पनिन्ना नाम की उसकी दो पत्नियां थी। लिखा पनिन्ना के तो बालक हुए पर हन्ना के कोई भी बालक, क्योंकि शैतान ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। ऐसा लिखा? किसने बंद की थी उसकी कोख? लिखा परमेश्वर ने उसकी कोख क्या कर दी थी? परमेश्वर ने उसके बांझपन को इस्तेमाल किया। जब तक उसके मुंह से नहीं निकला खुदावन अगर तू मुझे बेटा दे मैं तुझको वापिस कर दूंगी, वो कभी ना कहती मैं तुझे वापिस कर दूंगी अगर वो इस तैयारी से ना निकलती। उसका बेस्ट, उसकी बुलाहट उसके बीच से पैदा करने के लिए परमेश्वर ने उसे बांझपन दिया। कोई गरीबी पे रो रहा है, कोई बीमारी पे रो रहा है, आपको सिर्फ पवित्र आत्मा और उसके वरदानों के लिए रोना है बस।
बाकी वो संभाल लेगा। आमीन। अपनी तैयारी को खराब नहीं करना है। हालेलुया। याद रखो, अगर आदर का बर्तन बनना है तो आपके सब अशुद्धियां पहले निकलेंगी। अगर वो अशुद्धियां रहीं तो वो पीने के काम नहीं आएगा, वो डस्टबिन के काम आ सकता है कि ये बर्तन थोड़ा अशुद्ध है, इसमें वट्टे हैं, इसमें सब गंदगी अभी है, अच्छा इसको पीने के रहने दो, इसको कहीं और रख दो, वो कूड़े में जा रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसा बर्तन बनना चाहते हो। हालेलुया। परमेश्वर आपका पति, आपका बाप है, बेस्ट फ्रेंड है, वो आपका जरूरतों को पूरा करने वाला, उस पे निगाह रखो, आस रखो, भरोसा रखो। उसने कहा जो यहोवा की बाट जोहते हैं नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे। लिखा कि नहीं लिखा? लिखा कि नहीं लिखा? वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। लिखा कि नहीं लिखा? लिखा तरुण तो थकते, यानी जवान, जो बच्चे जवान हो रहे होते हैं उनमें बड़ा बल होता है। लिखा वो तो थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खा के गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अगर आपको गठिया है, अगर आप यहोवा की बाट जोए, आप नया बल जवानों की तरह प्राप्त करेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे आप। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तू संसार का नहीं, वरन तुझे संसार में से चुन लिया गया। अपनी अशुद्धियां दूर कर, बपतिस्मा ले, उद्धार पा और उसके जैसा बर्तन बन जो परमेश्वर करना चाहता है, बनाना चाहता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। बनोगे बर्तन प्रभु के जैसा, जैसा वो बनाना चाहता है वैसा ही? ये तो नहीं कहोगे प्रभु इसी ग्राउंड में रख और मुझे बना दे, ऐसा तो नहीं बोलोगे? अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं तैयार हूं। उठाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। हिलाओ हाथों को। हिलाओ हाथों को। थैंक यू जीसस। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ मांगो। अगर ये स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ होगी तो कुछ भी शैतान की वजह से नहीं हो पाएगा। उठाओ अपने हाथों को, स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ। सुनो मेरी बात, एक 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 गिफ्ट मैं आपको दूंगा बहुत जल्दी। सुनो मेरी बात, मैंने क्या नोटिस किया जब मैं लोगों से मिलता हूं, आप लोग जब प्रेयर करते हो ना, जब बैठते हो जैसे प्रभु जी मैंने चंगा करो, प्रभु जी मेरे लाइफ, ये ठीक है, प्रेयर बुरी नहीं, पर ये बच्चों वाली प्रेयर है। मैं आपको जल्दी फायर प्रेयर बुक दूंगा, जिन जो वर्डिंग्स मैं यूज करता हूं उसमें अलग अलग प्रेयर्स होंगी, हीलिंग के लिए, साल्वेशन के लिए, नशे छोड़ने के लिए, डिले की स्पिरिट, मैरिटल लाइफ, कम से कम 30 विषय होंगे जो आपके हर एक लाइफ को टच करेंगे। और उसको आप जब प्रेयर में सेम वर्डिंग के साथ बैठेंगे, आपको मतलब समझ आएगा प्रेयर का। आमीन। वो बुक में लिख रहा हूं, लेकिन मैं उसे तभी लिखता हूं जब मैं अपने प्रेयर रूम में हूं, तो उसको मैं लिख रहा हूं और मेरी कोशिश है उसे जल्दी देने की।
आमीन। कोई भी बुक जो खुदावंद की हजूरी से निकले, चाहे वो माई बुक ऑफ प्रोफेसी हो, अब जो नई बुक आने वाली वो हो, ये हमेशा आपको ब्लेस करती रहेंगी, हमेशा के लिए। हालेलुया। तो मेरी कोशिश है उसे देने की, ताकि आप सब लोग, पूरे लोग, जितने लोग हमारे पास हैं, वो उस फायर प्रेयर से ही प्रेयर करें। आमीन। क्योंकि आपकी अग्रेसिव प्रेयर होना बड़ा जरूरी है। अगर आप ये चाहते हो कि जो कुछ आपके साथ हो वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से हो और शैतान इंटरफेयर ना करे। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। घोषित करता हूं, जो चीजें खुदा ने जन्म देनी, उस चीजों के साथ आप गर्व से हो जाएं। ओ आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। मैं अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार हूं। ऊंची आवाज में मैं रिसीव करता हूं इस मसीह को। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता। आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च।